ये सर्दियाँ आ गई हैं यार। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज फाइनली हम निकल रहे हैं और मेरे साथ आज होने वाला है वकार और अतीब, तीन दोस्त। डेढ़ दिन हमारा ट्रेन में लगने वाला है, एक दो दिन अभी यहाँ से जम्मू जाके। तू कर ले, तू ही व्लॉगिंग कर ले। ये है जी कुछ मेरा वाला बैग जो कि पूरा टाइट होके रखा है बेचारा, और ये भी ऑब्वियसली मेरा ही बैग, L3 का बैग पैक बना हुआ है, इधर उधर मैं नहीं लगा सकता, बड़ी ख़राब हालत है कमरे की हुई। बैग वैग्स मैंने उठाए हैं, आप देख रहे हो, और ये बैग बहुत ज़्यादा भारी है। तो एक ही काम करते हैं, सीधा बस स्टैंड पहुँचते हैं, गाड़ी के अंदर सामान वामान रखते हैं और रास्ते से लड़कों को जो है कलेक्ट करते हैं, सॉरी पिक करते हैं। लंबा होने का ये सबसे बड़ा नुकसान है। बाय बाय पुंछ, मैं पुंछ को थोड़ा सा भी मिस नहीं करूँगा। Much, much, much later. Well, guys, we are in Jammu. और मेरे साथ कौन है? अतीब कादरी in the house. और साथ में है वकार। जम्मू मेन बस स्टैंड पे, और यहाँ से हमने जाना है जाके होटल में चेक इन करनी है। रूम वूम सारा कुछ पहले से बुक्ड है। मैं घोड़े जैसे, क्या बोलते हैं, उसके जैसे लदा हुआ हूँ, ये भी वो भी, बैग सी बैग आगे पीछे। तो चलते हैं रूम में चेक इन करते हैं। जैसा कि ये देख रहे हो, नहीं दिख, कुछ दिख नहीं रहा, मैं बोला जैसा कि देख, ये देखो गाइस, यहाँ पे ये हालत हुई है अतीब की। खैर ये एक प्रॉपर वीडियो में बताएंगे, यहाँ से व्यू दिखाते हैं आप लोगों को। व्यू है कि कुछ ये, इधर से गाड़ियों की चढ़ा 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 लगी हुई है, इधर से भी, उधर से हर साइड से कुछ लाइटें वाइटें जल रही, मतलब अच्छा लग रहा है ना। अगर हम सनसेट के टाइम पे पहुँचते तो ज़्यादा अच्छा लगता। और साथ में मैं ये बोल दूं कि अभी मेरी शक्ल भी जो है व्लॉगिंग के लाइक नहीं, बट किस साइड आओ ना यार, इधर आओ यार, मतलब होटल में यहाँ पे कुछ है नहीं खास व्लॉग करने के लिए। तो आज आज जो है व्लॉग यहीं पे है, ठीक है, यहाँ से आगे हम कल कंटिन्यू करें। द नेक्स्ट डे, करेंटली सेकेंड डे है ये, ठीक है, अभी रात पड़ चुकी है, अभी हमने जाना है यहाँ से जाके। क्या खाना है, क्या रात का खाना, कुछ भी डिनर मिलेगा? हाँ, डिनर मिलेगा। एक छोटा सा एक मैसेज में इसी वीडियो में आपको एक डेढ़ मिनट का देना चाहूँगा कि हमारे बेस्ट फ्रेंड्स के ग्रुप में से फ्रेंड ऑफ माइन शेयर, पता नहीं क्या हुआ, स्नैप भी शेयर हुए क्योंकि मैं यहाँ पर बिजी था, थोड़ा काउंसलिंग का भी था, वो पंगा था, तो बात नहीं हो पाई हमारी। रेलवे स्टेशन पे मिलते हैं और मतलब दिखाएंगे भगदौड़ कैसे मची हुई है। रेलवे स्टेशन और भाई साहब, यहाँ की हालत इतनी बद से बदतर है, क्या बताऊँ, मतलब सिक्योरिटी जो मेरी हमने क्लियर कर ली, और वहाँ पे उसने मेरी बार पे रेड अलार्म किए, पता नहीं क्यों मेरी बार पे भी हुए थे, क्योंकि आई एम हैविंग रॉड्स इन माय किडनीज। एग्जैक्टली, आई हैव अ ग्लॉक, आई एम कैरिंग अ ग्लॉक 19 एक्चुअली। सॉरी गाइस, हम चलते हैं, इस ट्रेन को चलते हैं, हां उसके बाद दिखाएंगे आपको ग्लॉक 19। डैम, कुछ ऐसी हालत है यार, मैं तो हालत देख के मेरी हालत पतली हो रही है इधर हैंकर, मैं हालत देख के मेरी हालत पतली हो रही है। ओके, समीउल्लाह को, हाँ यार मैं घूम गया था, समीउल्लाह का प्लेटफॉर्म, तो मैप नहीं पता था गाइस, पुचिंगी का मैप होता मैं ढूंढ लेता, ये जोरजी पुल में था, हाँ मिला ही नहीं। तो अभी ये हमारे साथ बंदे हैं बहुत सारे, ये भी एक बंदा है, चला जा। बड़ी खराब हालत होती है यार भाई, ट्रेन हमारी पहुँच गया और रश हद से ज्यादा है। मेरे पीछे है अतीब कादरी, अतीब को ऐसे कुछ वजन उठवाया हुआ है भाई, हालत पैड़ी हो रखी है। तो सीधा अंदर ट्रेन के बैठते हैं, जगह ढूंढते हैं, फिर आपको 48 किधर है भाई, और ढूंढना है तो दो, चलो गाइस। फाइनली जो है हमारी ट्रेन में लाइट आ चुकी है, पहले लाइट नहीं थी, हमने बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आके कैसे भी अपना सामान वामान जो है सेट करा, साइड अपर वाली, और मुझे मेरी फेवरेट है, तो पता नहीं कैसे यार मिल गई। अतीब की कौन सी है? दिस वन, ओह वाओ, सेम पिंच नहीं, सॉरी क्या था, ये पिंच तो थी नहीं, जो भी लाल हुई पड़ी है। मैं रात को बड़े लेट सोया, लेट हुआ। गुड मॉर्निंग,
सहारनपुर सहारनपुर जंक्शन यहाँ से ये ट्रेन की शिफ्टिंग कर रहे हैं बेसिकली प्रेजेंटली। ओके ओके ओके, ट्रैक्स चेंज कर रहे हैं शायद। तो तभी थोड़ी सी ब्रेक ली है हमने, बाकी के सारे बच्चे सोए हुए। लिटरली जो बच्चे हमारे साथ आए हुए वो सुबह उठे और 4 बजे के करीब दे वर वॉचिंग रील्स। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? 4 बंदे 950 किलोमीटर का सफर। That's worth it. वर्थ यार, मतलब अच्छा है क्योंकि यहाँ पे आके मतलब ना हम दरवाजे वहाँ पे एसी में जो है सिक्योरिटी थोड़ी टाइट होती है, वो तो वो खास इतना खुलते नहीं है, इन्वायरमेंट वेल नहीं होने वाला गाइस। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो और वो भी स्लीपर क्लास में, तो डेफिनेटली रात को मतलब ऐसे वाले मौसम में रात को बहुत ज़्यादा ठंड लगती, तो कैरी योर कंबल्स, और नहीं है तो अपने अच्छे से कपड़े उपड़े क्या बोलते हैं उनको या ना। या इसने अभी मुंह नहीं धोया, 3 दिन से इसने मुंह नहीं धोया। चलो उठ उठ, चाय चाय चाय। समीर भाई भाई पता ही क्या, समीर भाई को और मेरे को कल से जो है क्या हो रही थी थोड़ी ना मिसअंडरस्टैंडिंग, बुला रहे थे तो मैं बोल रहा था हाँ जी, मेरे को बुला लिया इतनी बार मैंने बोला मुझे कौन जानता है इधर समीर है ना। कैसे करके ओवरऑल जो अभी तक जर्नी है ठीक जा रही है, ठीक है आपकी भी सही जा रही है जर्नी, बाकी वाले बंदे कुछ वो उधर बैठे हुए हैं कुछ इधर ये भाई आ गए। ब्रेकफास्ट डन गाइस। वकार कैसा लगा ब्रेकफास्ट? अच्छा है, टाइम पास है ना गाइस। अभी मैं और अतीब ऐसे ही आए हुए थे, थोड़ा ये इसको क्या बोलते हैं दरवाजा इसमें खड़े होके हम बाहर देख रहे थे, कितने सारे चप्पलों के नाम थे, लीजा शिल्पा शेट्टी पर क्या क्या लिखा हुआ था, पैरी पैरी टू, ये खड़ी हुई है, ये मेरी वाली ट्रेन है। गाइस कैमरा आ जाए तो फिर हम ट्रेन सर्विंग करेंगे, मैं और अतीब भाग जाएंगे हम। वैसे मैं चिट्टा चिट्टा क्यों हो गया यार, मतलब पूरे लग रहा है कि मैं अच्छा हूँ। अभी दिल्ली स्टेशन से ट्रेन निकल चुकी है और हम दिल्ली को जो है बाय बाय करेंगे। पता नहीं अंदर से अच्छी अच्छी होगी पर ये जो भी एरिया है ना लिटरली बहुत गंदे हैं यार, इतने गंदे क्या बताऊँ। ये हमारी जर्नी हो चुकी है ऑलमोस्ट 14 आवर्स की, और जिसमें हमने अराउंड 600 some किलोमीटर अभी तक कर लिया होगा। तो कैसा रहा सफ़र? लग तो कंफर्टेबल रहा है भाई। ये भी इधर देखो, ये शहनशाह होके बैठा हुआ है, मैंने फ़ोन यहाँ पे चार्जिंग पे लगाया हुआ था, ये बैग वैग सारा कुछ पास है, सामान मेरा उधर है रखा हुआ ऊपर वाली बर्थ में। सीट्स तो कंफर्टेबल हैं ऑब्वियसली, और ये वाली सीट सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है ना। वो आर्मी पर्सन है वहाँ पे, उनसे तो नहीं पूछेंगे वो। ऊपर अतीब तेरा सामान उधर है? हाँ, मेरी और अतीब की ऊपर वाली बर्थ थी। अब बता कैसा सफ़र निकला 14 आवर्स का? जस्ट लुक इनटू माय आईज भाई, आंखों से तो तू थका हुआ लग रहा है बहुत ज्यादा, लग रहा है तुझे सदियों की नींद की जरूरत है। वकार तुझे भाई पहली बार का सफर था और वकार तो फुल मजे ले रहा है भाई। मैं यहीं पे बैठा हुआ बस, कभी इधर मौजूद कभी उधर मौजूद। हां इनसे भी आगे हो गए हम, ये हमसे पहले आगे निकल के आए थे भाई। और ठीक है यार साफ, अगर आप ये वाली बर्थ ले रहे हो तो ये बहुत कंफर्टेबल हो रही है। वो वाली अगर साइड पे आप ले रहे हो या अपर बर्थ या लोअर बर्थ कोई भी, मतलब वो तो मच प्रेफर्ड होंगी मेरी तरफ से, ठीक है। मैं तो वही साइड प्रेफर करूंगा। आप कपल हो और जा रहे हो कहीं पे, आपने बुक करना है तो पता है कैसे करना है, अपर बर्थ और लोअर बर्थ दोनों बर्थ बुक करनी होगी, लोअर बर्थ। अभी टाइम हो रहा है लगभग 12:30 और हमारा जो है लंच आ चुका है। सर आ गए थे अचानक से, पहला वाला पार्ट मुझे थोड़ा सा डिलीट करना पड़ा। और ये है हमारी प्लेट, अब मैं एक हाथ से नहीं उठा सकता, उधर मुड़ के दिखा रहा हूँ। रोटी, चावल, दाल, सब्जी, बिसासू सब्जी, गुलाब जामुन, पिकल एंड ऐसा हॉट डॉग। भाई खाना मस्त है ना? बिल्कुल मस्त है, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया प्लेट है भाई।